यहाँ पलामू और लातेहार जिला की ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। बंसीधर नगर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 सरेह टोला में मॉडर्न पब्लिक स्कूल स्थित है, जिसमें लगभग 400 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल जाने के लिए रोड की स्थिति बहुत ही खराब है, जिसके कारण बच्चों को आने जाने में बहुत ही परेशानी होती है। नगर पंचायत अध्यक्ष विजया लक्ष्मी से रोड के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास संसाधनों का अभाव है, जबकि सरेह टोला से नगर पंचायत अध्यक्ष का घर आधे किलोमीटर दूर भी नहीं है। मौके पर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष मंटू पांडे, राजीव कमलापुरी, दीनानाथ, अनिल कुमार, ध्रुव सिंह, शिक्षक अनुज कुमार, असलम अंसारी, सना परवीन, सुरेंद्र कुमार आदि सहित कई लोग मौजूद थे। समस्या ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सड़क है, जो सरेह का मुख्य सड़क आप मान सकते हैं इसको, इस समस्या को लेकर हम पिछले 3-4 दिन पहले सोशल मीडिया के लाइव वीडियो के माध्यम से मैंने दिखाने का प्रयास किया था और मैं कल कार्यपालक पदाधिकारी को मैंने एक आवेदन भी दिया कि ये दो सड़क इन्हों के पास और यहाँ की जो मुख्य सड़क है इसको कम से कम दुरुस्त किया जाए, लेकिन आज तक यह सड़क चूंकि कई लोगों से उपेक्षित रहा, पहले विधायक हुआ करते थे, सांसद हुआ करते थे, दो प्रतिनिधि पूर्व में थे, अब हमारे नगर पंचायत में नगर अध्यक्ष का भी चुनाव हो चुका है, चुनाव हुए 3 माह हो गए और मैं आपको बता दूं जिस जगह पर हम खड़े हैं यहाँ से अध्यक्ष का घर की दूरी 0.5 किलोमीटर भी नहीं होगा। यह उनके संज्ञान में यहाँ के लोगों ने बुलाया, मुझे भी 4-5 दिन पहले फ़ोन किया हुआ था कि आप यहाँ आके देखें और इस समस्या को, तो मैंने आवेदन तो दे दिया, लेकिन इस पर कार्रवाई कब होगी, कैसे होगी, यह इलेक्टेड बॉडी है, उनको कम से कम इस क्षेत्र की समस्या को देखना चाहिए था कि आखिर यह जो हमारे क्षेत्र में जहाँ से हम वोट लिए हैं, जहाँ से हमको चुन कर भेजा गया है और वहाँ की स्थिति इस तरह की नरकीय है। अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ बच्चे जो जा रहे थे, एक बच्ची गिर गई गड्ढे में, इसकी जिम्मेवार कौन है। दूसरी बात, मैं नगर पंचायत का चुनाव अभी 3-4 माह पूर्व हुआ है, लेकिन यहाँ की जनता 3 फाइनेंशियल ईयर टैक्स दे चुकी है, चाहे वो घर का टैक्स हो, होल्डिंग टैक्स हो, बिजली को लेकर टैक्स हो, सड़क को लेकर टैक्स हो, सारे टैक्स का भुगतान कर रही है और जनता को इस स्थिति में जीना, यह सरासर विभागीय लापरवाही है और इस पर मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि इस पर तत्काल कार्रवाई हो और यहाँ की जनता को कम से कम चलने के लायक बनाया जाए। आप ठीक है, इस योजना को मैंने चूंकि बात किया था तो लोगों ने बताया कि इसकी कार्ययोजना बनेगी तो 6 महीना लगेंगे, लेकिन फिलहाल इसको नगर पंचायत में लोग बोलते हैं, लेकिन नगर पंचायत में यहाँ की विकास फंड की राशि पड़ी हुई है, उस माध्यम से यहाँ पे तत्काल मिट्टी मोरम डालकर कम से कम चलने लायक बना दिया जाए ताकि ये लोग आवे जाएं। कम से कम देख रहे हैं कि यहाँ 1000 बच्चे इस विद्यालय में जाते हैं, आप सोच सकते हैं। कल अभी यहाँ के लोगों ने, ग्रामीणों ने बताया कि एक टेम्पू भी पलट गई, आप देख सकते हैं। मैं यही आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि इस पर तत्काल कार्रवाई हो। वैसे हम आवेदन दे चुके हैं, फिर मैं कल आवेदन पर मैं मिलूंगा कार्यपालक पदाधिकारी से कि आखिर इस पर कार्रवाई तत्काल जल्द से जल्द हो, और उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि इस पर हमारे दिए गए आवेदन पर कार्रवाई होगी। धन्यवाद। सड़क की स्थिति काफ़ी दयनीय है। इस गली में एक निजी विद्यालय भी है जिसमें कि बहुत लड़के रोज पढ़ने को आते हैं, लेकिन इस सड़क की वजह से वो कितने बच्चे का ड्रेस गंदा हो जाता है गिरने से, और कितने वाहन भी कभी जभी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यहाँ के लोग काफ़ी नारकीय जिंदगी जीने को विवश हैं और अब तक नगर पंचायत के द्वारा इस गली में कोई पहल नहीं किया गया है जिससे कि इस गली का सुधार हो।